दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग लगभग कंफर्म हो चुके होंगे कि अब उनका जेई मेंस 2023 का एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, तुमको ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनल ने ये बोल दिया है कि अब कन्फर्म हो चुका है अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो स्क्रीन पे प्रूफ, ये 2022 का है, सॉरी 2020 का है। 2020 में ऐसा हो चुका है। मैं डिटेल में अभी बात करूंगा, सो वीडियो के साथ प्लीज़ लास्ट तक बने रहो। तो हेलो एवरीवन, देखो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि जेई मेंस का एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगा या जनवरी मिड में या जनवरी के लास्ट वीक में ही होगा, ठीक है? क्योंकि अभी किसी को ये बात पता नहीं है। तो ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे कि अब कंफर्म हो चुका है कि अप्रैल में ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर तुम अप्रैल के लिए अपना तैयारी रखोगे कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और अपना मतलब पेस कम कर दोगे तो, और काफ़ी डेप्थ में पढ़ने लगोगे, तो फिर तुमको मे बी जेई मेंस में दिक्कत आ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए अपना सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का कोशिश करो, जितना जल्दी हो सकता है। अब ये फिक्स नहीं है कि जनवरी में होगा या अप्रैल में होगा, क्योंकि 2020 में ऐसा हो चुका है कि मतलब 6 से 11 जनवरी तक एग्ज़ाम था, जबकि 1 जनवरी से ही CBSE के प्रैक्टिकल्स थे, तो वो कोलैब हो सकते हैं। इसका CBSE के एग्ज़ाम को, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कंसीडर नहीं करेगा, मे बी ऐसा हो सकता है। बहुत कम चांसेस है लेकिन हो सकते हैं। तो ऐसा मत मान के आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाओ कि अरे अब क्या करना है, अब तो अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा तो चलो आराम से कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का ही बहुत ज़्यादा चांस है कि जनवरी में भी हो जाए। तो आप अपने सिलेबस को थोड़ा स्पीड में ही कीजिए, क्योंकि देखिए इसका भी बहुत ज़्यादा फायदा। अगर आप तुम बोलोगे अप्रैल में है तो ठीक है, दूसरा अटैम्प्ट हम दे लेंगे, तुम दूसरा अटैम्प्ट दे देगा, लेकिन दूसरा अटैम्प्ट में तुम उतना मचा नहीं पाएगा। अगर अगर तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपका अच्छा तैयारी है और आप देते हैं, अच्छा एग्ज़ाम चला जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपका परसेंटाइल अच्छा आ जाए, क्योंकि सेकेंड अटैम्प्ट में सारे लोग अच्छे तैयारी के साथ आते हैं। तो सेम परसेंटाइल अचीव करने के लिए आपको 10-20 नंबर ज़्यादा लाने होते हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है जेई मेंस में, ठीक है? तो तुम अपने स्टडी को जारी रखो, ऐसा नहीं सोचो कि अप्रैल में एग्जाम है तो आराम से होगा, ऐसा नहीं है, कभी भी हो सकता है, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।